अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी स्वीट कॉर्न। ये देखिए, हम इसमें इस तरीके से मसाले लगाएंगे और हम इसे सेकेंगे और फिर इस पर बटर वगैरह लगाएंगे। ये देखिए, हमने दो स्वीट कॉर्न को ले लिया है, भुट्टे को। इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था। इसके बाद हमने इस पर ढक्कन लगा के इसे गलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब हमारी स्वीट कॉर्न गल जाए तो इसे हम निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। अब हम तंदूरी मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हमने छोटे चम्मच से हमने तीन चम्मच दही लिया है, आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये हमने थोड़ा सा काला नमक लिया है और हमने आधे चम्मच से भी कम नमक ले लिया है। इन सारी चीजों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इन मसाले को हम अच्छे से भुट्टे के ऊपर लगा लेंगे। ये बहुत ही आराम से लग जाता है। ये हमने अभी ग्रिल लिया है, जाली उसके ऊपर हमने दोनों भुट्टों को रख दिया है मसाला लगाए हुए। इसे हम इसी तरीके से भून लेंगे। ये भी थोड़ा भून जाएगा, फिर इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे धीमी आंच पे। आप आगे पीछे करते हुए भुट्टे को अच्छे से भून लें। ये देखिए, ये हम नीचे वाले साइड भून रहे हैं। इसी तरीके से आपको जहां जहां लगे कि हम अच्छे से भून नहीं गए हैं, वहां वहां पे आप अच्छे से आगे पीछे करते हुए इसे अच्छे से भून लें। ये देखिए, हमारा भुट्टा अच्छे से भुना गया है। अब हम इसके ऊपर बटर लगा रहे हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पे रख दिए हैं और यहाँ पे भी हम हल्का सा इसके ऊपर बटर लगा रहे हैं। ये बटर से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से आप बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आपका भुट्टा कैसे बना। एक बार आप इसे जरूर बनाएं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अल्लाह हाफिज़।